नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। और आज जो वीडियो हमने स्टार्ट किया है वो प्रीवियस वीडियो का एक कंटिन्यूस रूप है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अंग्रेज के दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार के बारे में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजों का पूर्वी भारत में और खासकर कोलकाता हुगली के क्षेत्र में व्यापार के प्रचार प्रसार के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में ज्यादा आसानी होगी। प्रीवियस वीडियो तक मैंने देखा था कि कैसे कैसे अंग्रेज मद्रास और बम्बई के क्षेत्रों पे अधिकार कर लिया था, या मद्रास और बम्बई कैसे उसके अधिकार क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में आ गए थे। तो आगे देखते हैं कि कोलकाता या पूर्वी भारत उसके अधिकार क्षेत्र में कैसे आ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1630 ईस्वी के बाद से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। और उसमें सबसे जो प्रथम प्रचार प्रसार हुआ था उसमें हुआ था कि 1633 में उड़ीसा का बालासोर में और 1651 में बंगाल के हुगली क्षेत्र में उसने अपने कारखाना स्थापित कर लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1658 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और कोरमंडल क्षेत्र पे जितने और सारे फैक्ट्रियां थी सारे सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट जॉर्ज किले कहाँ पे स्थापित किया था 1640 ईस्वी में, तो मद्रास में स्थापित कर लिया था। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र जितने भी कारखाने थे वो सारे सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए थे। 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त स्थानीय राजाओं के फरमान से कपड़े, सिल्क, चीनी, सोरा से, चुंगी कर से मुक्ति मिल गई। अब चूंकि इंटरनल व्यापार होता था अंग्रेजों का, तो उसे स्थानीय राजा को चुंगी देना पड़ता था, चुंगी कर देना पड़ता था। तो उसने सारे स्थानीय राजाओं से एक समझौता किया, एक संधि की, जिससे कि उसको कम राशि में ही एक वार्षिक राशि अदा कर देते थे, जिससे उसको एक चुंगी कर से मुक्ति मिल गई। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी का व्यापार और बढ़ते हुए चला गया। और 1688 ईस्वी में इसी क्रम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो प्रशासन था बहुत अनुभवी अधिकारियों के हाथ में आते थे, जैसे जॉर्ज ऑक्सटन के हाथ में आया। उस समय भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की समृद्धि में काफी वृद्धि हुई। और इसी क्रम में सर जॉन चाइल्ड करके एक व्यक्ति आए जो 1682 से 1690 उसका शासन काल रहा। वो जब आए तो वो अपना हुगली क्षेत्र में अपने पूरा नियंत्रण करने के बारे में एक योजना बनाने लगे। उस समय ये हुगली क्षेत्रों पे मुगल शासक औरंगजेब का ही दबदबा था, उनका ही प्रभुत्व था। तो 1688 ईस्वी में उसने क्या किया कि हुगली क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहा, तो औरंगजेब से उसे युद्ध करना पड़ा। और औरंगजेब ने 1688 ईस्वी के युद्ध में बंगाल में उसको बुरी तरह से सर्जन चर्ट को पराजित कर दिया और उसको बंगाल से बाहर खदेड़ दिया, और यहां तक कि उसको भारत से भी बाहर खदेड़ने के स्थिति में औरंगजेब पहुंच गया। उसको इतना गुस्सा आ गया था, परंतु सर्जन चाइल्ड ने उसे माफी मांग ली और फिर एक संधि हो गई उसके, और संधि के तहत उसका भारत में रुकने का फरमान बच गया। तो जो फरमान आया था संधि में, तो 1691 के तहत जो एक संधि हुई थी जिसमें औरंगजेब का एक फरमान आया था, जिसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब जो है उसको चुंगी कर से मुक्ति, बंगाल में कुछ उनको वार्षिक राशि दे करके अंग्रेज ने बंगाल के क्षेत्रों में चुंगी कर से मुक्ति भी पा लिया था। और सुतानीती जो कि बंगाल के क्षेत्र में एक जगह है सुतानीती, वहां पर भी उसने कारखाना खोलने की अनुमति वो औरंगजेब से प्राप्त कर लिया। तो औरंगजेब के 1691 के फरमान के बाद सुतानीति में फैक्ट्री तो उसने खोला, अंग्रेजों ने खोला ही, और चुंगी कर में रियायत पाया ही, साथ में गुजरात के क्षेत्रों में भी उसको चुंगी कर से रियायत मिला। और उसके बाद 1698 ईस्वी में मात्र 1200 रूपये कंपनी को सुतानीति, गोविंदपुर और कलकत्ता गांव का जमींदारी मिल गई। 1698 ईस्वी में तीन गांव थे बंगाल में, सुतानीति, गोविंदपुर और कलकत्ता, ये तीनों गांव की जमींदारी भी मिल गई, जहां से वो राजस्व वसूल करने लग गए। फिर 1700 ईस्वी में क्या किया, मुगलों से जो प्राप्त हुआ था ये तीन गांव, इस तीनों गांव को मिला करके, मुगलों से प्राप्त सुतानीति, गोविंदपुर और कलकत्ता को मिला करके कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया। और उस वहीं पे फोर्ट विलियम किले का भी निर्माण किया गया, फोर्ट विलियम किले की एक बसावट की गई, जिसके जो कि 1911 तक ब्रिटिश शक्ति का एक केंद्र बना रहा। और इस प्रकार मात्र
इस प्रकार मात्र 90 वर्षों में अंग्रेज ने भारत के मुख्य मुख्य शहर जैसे कि कोलकाता, मद्रास और बम्बई जैसे शहरों पे अपना व्यापार पे अधिकार जमा लिया। इतना ही नहीं, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई तो करीब करीब मुगल काल की समाप्ति हो गई और उत्तर मुगल काल का शुरू हो गया। तो उसके औरंगजेब के बाद से जो उसके वंशज राजा आए, जो भी शासक आए, जैसे बहादुर शाह, जहांदार शाह, जो कि हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वो इतने योग्य नहीं थे। और सबसे ज्यादा जब 1713 में फर्रुख सियर मुगल शासक बनते हैं और 1717 में जो वो मुगलों के लिए एक फरमान जारी करते हैं जो कि ब्रिटिश के लिए एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसको लेकर के अंग्रेज का जो स्थिति है भारत में सबसे ज्यादा सुदृढ़ हो गई। तो चलिए देखते हैं कि फर्रुख सियार का जो फरमान 1717 में ब्रिटिश के लिए आया था उसके संबंध में। तो फर्रुख सियार के फरमान के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 1717 में सर जॉन सरमैन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल फर्रुख सियार से मिले। जब वो फर्रुख सियार से मिले तो उससे कुछ संधियां हुई, कुछ वार्ताएं हुई और फर्रुख सियार ने एक फरमान का लिस्ट जारी कर दिया अंग्रेजों के लिए। तो देखिए क्या क्या फरमान था उसने। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के क्षेत्रों में राजस्व वसूली करने का अधिकार प्रदान कर दिया तथा मात्र 30,000 वार्षिक अदायगी से बंगाल में मुफ्त व्यापार के लिए उसे अधिकार दे दिया, मुफ्त व्यापार का अधिकार दे दिया। 10,000 रुपए सालाना राशि से सूरत के सभी करों में छूट, सूरत में जितने भी व्यापार के लिए कर लगते थे उसमें सभी करों में उसने छूट दे दिया। बम्बई में अंग्रेजी ढाले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में वैध कर दिए। जो अंग्रेजी सिक्के बम्बई में ढाले जाते थे, मुगल साम्राज्य जहां जहां पे भी था भारत में, वो सारी जगह वो सिक्के चलने लग गए। और कंपनी को हैदराबाद के पुराने विशेष अधिकार, जितने भी विशेष अधिकार हैदराबाद के थे, उस सबको फिर से उन्होंने फर्रुख सियार ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वापस कर दिया और वहां पे जो भी कर थे वहां के करों में भी वो छूट दिया गया। ये चारों फरमान से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का करीब करीब भारत के हर जगह पे नियंत्रण हो गया था उसके व्यापार का। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता से लेकर सूरत और छोटे छोटे जितने भी स्थानीय राजा थे उन सारे से उसने संधि करके अपना व्यापार को बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर लिया था। और इसी फरमान को ब्रिटिश इतिहास में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार पत्र, ब्रिटिशों का ये अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो उसके बाद अब उसको व्यापार में कोई दिक्कत नहीं रह गई थी, बस उसका एक प्रतिद्वंदी बता हुआ था पुर्तगाली और डच, तो बस अब उसको पुर्तगाली और डच को भारत से हटा देना था और उसके बाद भारत में वो अकेला एक अधिकार राज्य या एक अधिकार व्यापार करने के लिए बारे में सोचने लग गया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब अंग्रेजों का डच और पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष रहा उसके बारे में। तो अंग्रेजों का पुर्तगाली और डचों के साथ संघर्ष के बारे में बात करें तो 17वीं शताब्दी के 3 दशकों तक उनको पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को। फिर 1630 ईस्वी में मैड्रिड, जो कि स्पेन में है, मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हो गई आपस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 1634 में सूरत के कारखाने के अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली के वासराय के बीच एक दूसरी संधि भी हुई। उसमें यह डिसाइड किया गया कि भारत के व्यापार में वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो यही लिखता है हमने कि सूरत के कारखाने के अध्यक्ष तथा गोवा के पुर्तगाली वासराय के बीच दूसरी संधि हुई जिसमें भारत के व्यापार में एक दूसरे की सहायता करने का उन्होंने संधि किया, ठीक है। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। अब 1654 ईस्वी में क्या हो गया कि पुर्तगाली ने स्वयं ही अंग्रेज, क्योंकि शक्तिशाली इतने होते चले गए कि पुर्तगाली स्वयं ही पूर्व के व्यापार पे अंग्रेज का अधिकार को स्वीकार कर लिया, अंग्रेज के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। और 1661 ईस्वी में वो दोनों डच के विरुद्ध एकजुट हो गए। और इससे पहले मैंने बताया कि 1661 में जो पुर्तगाल के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी हो गई, तो दोनों एकजुट होकर के पुर्तगाल डचों के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट और संघर्ष स्टार्ट करना शुरू कर दिए। तो वहां तक पुर्तगालियों की कहानी थी। अब डच के बारे में बात करें तो डच का प्रभुत्व ज्यादातर दक्षिण एशिया पूर्व जैसे कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में ज्यादा था और वो अपना एक अधिकार, मसाले का एक अधिकार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कर रखा था, ठीक है। तो
डच मसाले के व्यापार में न केवल पुर्तगालियों की बल्कि अंग्रेजों को भी दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया था। वो इतनी शक्तिशाली दक्षिण पूर्व एशिया एशिया के देशों में वो हो गए थे, इसीलिए उसको अपनी भारत में अपनी स्थिति बचाने के लिए उस पर कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था कि भारत उसके पास रहना ही चाहिए, क्योंकि उसका उसको उतना मुनाफा उस इंडोनेशिया के क्षेत्रों से उस द्वीपों से उनको हो जाया करता था। फिर भी 1652 और 54 के बीच में डचों और अंग्रेजों के बीच कई बार आपस में मुठभेड़ होते चले गए और डचों का जहाजी बेड़ा स्वाली के निकट पहुंच गए, जिससे कि अंग्रेज को अपना व्यापार का जो कार्य था वो सूरत में स्थगित करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो 1652 और 54 में कई मुठभेड़ अंग्रेज और डचों के बीच हुआ, और इसी क्रम में डचों का एक बड़ा जहाजी बेड़ा स्वाली तक पहुंच गया, और जिससे कि अंग्रेज को सूरत में अपना कारोबार को स्थगित करना पड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि दोनों आपस में सोचा कि सहमति कर ले, समझौता करने पे दोनों आपस में पहुंच गए। तो 1667 ईस्वी में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और बदले में अंग्रेज जो है इंडोनेशिया के क्षेत्र को छोड़ दिया कि भैया आप इंडोनेशिया के क्षेत्र में आप देखो, और भारत के क्षेत्र में डच ने अंग्रेज को दे दिया। इस तरह से उन लोगों में एक आपसी सहमति बन गई। फिर 1759 में जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डचों के हिस्ट्री में आपको प्रीवियस वीडियो जो बताया था उसमें बेदरा के युद्ध के बारे में बताया था, अगर आप उसको नहीं देखे तो आप उसको देखिए। तो 1759 में जो बेदरा का युद्ध में डचों का पराजय हुआ था, उसके कारण डचों का शीघ्रता से पतन हो गया, और 1795 तक जाते जाते डच जो है भारत से कम्प्लीटली बाहर हो गए। ठीक है, और अंग्रेज इस तरह से सभी यूरोपीय शक्तियों को हटा करके अपना व्यापार को स्थापित कर लिया। तो अंग्रेजों को व्यापार के प्रचार और प्रसार में न केवल अंग्रेज की शक्ति का हाथ था, बल्कि भारतीय लोगों का और भारतीय राजाओं का भी हाथ था। तो देखते हैं कि दोस्तों कि कैसे भारतीय के राजा और व्यापारी अंग्रेज के व्यापार में सहयोग किए, क्योंकि अंग्रेज की कंपनी एक बड़ी उस समय तक हो गई थी, और जिससे मुनाफा भारतीय राजा भी टैक्स के रूप में कमाते थे, और भारत के व्यापारी भी उससे बहुत सारे लाभ कमाते थे, इसीलिए वो सब व्यापारी भी अंग्रेज की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय में सपोर्ट करने लगते। तो चलिए देखते हैं भारत में अंग्रेजों का विस्तार और उसके प्रभाव के बारे में। तो अंग्रेजों का व्यापार और विस्तार के प्रभाव के बारे में बात करें तो शीघ्र ही अंग्रेज अरब सागर तथा फारस की खाड़ी पर एक अधिकार जमा लिया था। वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि और उनकी नौशक्ति इतनी शक्तिशाली हो गई थी, व्यापार में वो इतने मुनाफा कमा रहे थे कि बंगाल के अरब सागर और फारस की खाड़ी में वो अपना एक अधिकार जमा लिया था। बड़े मात्रा पर भारतीय वस्तु जैसे वस्त्र, नील, सोना, मसाला के आयात से भारत के दस्तकारी को बहुत लाभ होने लग गए थे, और वो सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने लग गए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मध्यस्थ व्यापारी की तरह काम करने लग गए थे कि सामानों की एक तरफ चलाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सामान को लेकर के भारतीय बाजार में पहुंचाने लग गए थे, तो वो एक मध्यस्थ व्यापारी की तरह काम करने लग गए थे। तो अंग्रेज पूरे भारत में एक जड़ सा अपना समा लिया था, जड़ सा फैला लिया था कि उसके बगैर अब उस भारतीय लोगों का या भारतीय व्यापारी का काम नहीं चल सके, इस तरह से वो अपना स्वरूप को बनाते हुए चला गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो क्या किया कि अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक प्रसार प्रचार भारत में आरंभ करना शुरू कर दिया, और वे मुगल की जो शक्ति थी उस समय छीन होती जा रही थी, तो मुगल की शक्ति का वैकल्पिक रूप में वो उभर गया, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य मुगल शासक नहीं बना। और 1757 में प्लासी की और 1764 में बक्सर युद्ध के बाद बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद अंग्रेज तो भारत में अपना खूंटा गाड़ ही लिया, और साथ में इंग्लैंड में जो हो रही औद्योगिक विकास हो रहा था उसमें जो आवश्यकता हो रहा था, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी यहाँ से माल का लाना ले जाना है उसका स्वरूप वो प्रदान किया। तो यही मैंने लास्ट में लिखा कि अंग्रेजों ने इंग्लैंड के औद्योगिक विकास को आवश्यकता अनुरूप स्वरूप को प्रदान किया। इस तरह से अंग्रेज भारत में अपने व्यापार को विस्तार कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कि फ्रांसीसी कंपनी कैसे भारत आई है, और
इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो आप इस वीडियो को एक से दो बार देखिए, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। और जो भी बुक आपके पास है उस बुक से पढ़े और उससे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में या प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं आप उसको बनाइए। अगर कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके पास तक हमारा ये वीडियो पहुंचे। और इस कोरोना में मैं आशा आपसे ये जरूर करूंगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आप मास्क लगाकर बाहर निकलेंगे, सामाजिक दूरी को मेंटेन करेंगे और समय समय पर अपने हाथ को धोते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। तो आज का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन ए है अंगियर, ऑप्शन बी है सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी है सर जॉन गियर और ऑप्शन डी है सर निकोलस बेट। आप अपना उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय दोस्तों।